extreme values of the function. Find the extreme values. So hello everyone, this side Sumit Sharma, and I'm going to solve this question. Kya hai? Fxy is equals to x cube y square into 1 minus x minus y. So हमें सबसे पहले एक बात कंफर्म है बिल्कुल कि यहाँ x और y दोनों हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज़ पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा हमें. सो हमने लगाया है एफ एक्स, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल का सिंबल. तो पार्शियली डिफरेंशिएट किया पहले इसको x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया हमारे पास. ठीक है, कैसे होगा देखिए, ये इसको करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट, ये पहले अंदर वन पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, तो देखिए यहाँ पे यही आ जाएगा. ठीक है, सो मैं इसको लिख देता हूँ आगे तक और ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो. एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू सॉरी माइनस एक्स की पावर फोर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब. ओके, सो हमने लिख दिया. देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा. इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर. ठीक है, बाकी आप लोग समझ गए हैं. अगर आपको क्लियर नहीं है कि पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे करते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में खजाना है. ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देख के जाना है. ठीक है, दबा के लाइक ठोकी, सब्सक्राइब ठोकी, बिना लाइक किए मत जाइएगा वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में. एफ वाई इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब वाई माइनस दिस वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा. नाउ एफ एक्स इज इक्वल जीरो करेंगे, एफ वाई इज इक्वल जीरो करेंगे. हम लोग करते थे ना, जब डिफरेंशिएट करते थे जीरो के इक्वल करते थे, एक्सट्रीम पॉइंट निकाल लेते थे, मिनिमम मैक्सिमम करते थे, याद कीजिए. सो जीरो के इक्वल करेंगे, देखिए एफ एक्स को जीरो किया और एफ वाई को जीरो किया. एफ एक्स को जीरो किया सॉल्व करने के बाद तो हमें बस दो तीन कुछ वैल्यूज़ आएंगे, एक इक्वेशन आएगी एक्स बराबर जीरो यहाँ से और एक्स वाई बराबर जीरो साइमल्टेनियसली. ओके, सो फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल थ्री, एक इक्वेशन बनी. और यहाँ भी हम लोग ऐसा ही करेंगे कुछ, तो एक इक्वेशन ये बनेगी हमारी यहाँ से. ठीक है, सो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लीजिएगा. ठीक है, वैल्यूज़ आएंगी क्या, x इज इक्वल टू वन बाई टू, वाई इज इक्वल टू वन बाई थ्री. सो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई. नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है हमारे पास, जीरो. ठीक है, पहले तो ये आई जीरो कामा जीरो, दूसरा क्या आया, वन बाई टू कामा वन बाई थ्री. दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए. अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज़. ठीक है, सो ए कुछ मान लेते हैं, कोई वैल्यूज़ होंगी. ठीक है, एफ एक्स एफ एक्स एक्स यानी एफ डबल एक्स, इसका मतलब क्या है, जो हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करके इस इक्वेशन को फाइंड किया था एफ एक्स वाली, इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसी इक्वेशन को. ठीक है, यही है एफ एक्स एक्स, ये तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा इस इक्वेशन को. कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और सीख लीजिए. बी एफ एक्स वाई, अब इसी इक्वेशन को हम लोग एफ एक्स वाली इसको वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा कुछ. ओके, नाउ सी क्या है, एफ वाई वाई यानी वाई एफ वाई वाली जो इक्वेशन है, वन मिनट, एफ वाई वाली जो इक्वेशन है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा कुछ. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे बढ़ते हैं, पॉइंट जीरो कॉमा जीरो, ए इज इक्वल जीरो, बी इज इक्वल जीरो, सी इज इक्वल जीरो. ठीक है, ये क्या है, और ए सी माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो. ठीक है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे. ठीक, और अब आपको समझना है कि ए सी माइनस बी स्क्वायर ये क्या है, ये आपको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ए सी माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो हमने क्यों किया है. ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या मिला, ए इक्वल टू जीरो करेंगे. देखिए ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो. यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं एक्स की और वाई की, ये वाली वैल्यूज़ ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ए आ जाएगा हमारे पास. सबसे पहले यहाँ देखिए, ए हमारे पास इतना आ जाएगा, सिमिलरली बी आ जाएगा और सिमिलरली सी भी आ जाएगा. ठीक है, पॉइंट वन बाई टू का वन बाई थ्री से आया है ये तीन वैल्यूज़. ठीक, ए सी माइनस बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसको जीरो के इक्वल करके देखिए, ए सी माइनस बी स्क्वायर फाइंड किया हमने तो क्या आया, वन अपॉन फोर्टी फोर, जो कि जीरो से बड़ा है. ठीक है, नेगेटिव नहीं है ना, और वन के आसपास है, जीरो जीरो और वन के बीच में ही है ना, समझ लीजिए. ठीक है, जीरो जीरो से बड़ा है ये, वन बाई फोर्टी फोर, वन अपॉन वन बाई वन फोर्टी फोर. सो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, अब देखिए ध्यान से, ए इक्वल टू क्या आया हमारे पास, माइनस वन बाई नाइन, जो कि जीरो से छोटा था. ठीक, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ वन बाई टू कॉमा वन बाई थ्री. अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैक्स एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वन बाई टू कॉमा वन बाई थ्री. ठीक, इस बात को समझिए लिखा क्या है एक्चुअली.
ठीक है, इस बात को समझिए ज़रा। सो क्या समझे आप लोग कि हमने जो एफेक्स, जो हमारा एफेक्स था फंक्शन ये वाला, उसमें हम लोग क्या डालेंगे, 1/2, 1/3 वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है। सो जो हमारे पास निकल के आएगा वो होगा 1/432, ठीक है। सो हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन फाइंड कर ली है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन। सो हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ फंक्शन की फाइंड कर ली है, 1/432 समथिंग, 1/1/44, ठीक है। सो दिस सोल्यूशन इज़ प्रेजेंटेड बाई मिस करिश्मा गुप्ता। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस सोल्यूशन टू मिस करिश्मा गुप्ता। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, सो आप लोग आ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सोल्यूशन करिश्मा गुप्ता जी ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड किया था, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में सोल्यूशन सेंड करता है अपना, उसका नाम मेरे यूट्यूब चैनल पर फीचर किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।